सोलन में जिला प्रशासन भाजपा सरकार पर हावी होता नजर आ रहा है और भाजपा नेताओं को बिना विश्वास में रखे मनमाने निर्णय लेने में लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सोलन के पुराने उपायुक्त चौक को देखा गया है। सोलन के इतिहास में इस चौक का नाम क्रांति चौक रखा था, लेकिन अब इसका नाम जिला प्रशासन की अनुमति से बदलकर रोटरी चौक रख दिया है। आपको बता दें कि चौक पर लगी पुलिस गुमटी का निर्माण रोटरी क्लब द्वारा किया गया और अब वह इसके नाम को क्रांति चौक से बदलकर रोटरी चौक रखना चाहते हैं, जिसके चलते अब लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि वह किसी भी तरह से इस चौक का नाम बदलने नहीं देंगे। सेवानिवृत्त अध्यापक व समाजसेवी मदन हिमाचली ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि बेशक रोटरी क्लब ने पुलिस गुमटी का निर्माण किया है, लेकिन इस निर्माण से उन्हें ये हक नहीं मिलना चाहिए कि वह ऐतिहासिक चौक जिसका नाम क्रांति चौक है उसे बदल दें। उन्होंने कहा कि इस चौक पर हिमाचल निर्माता ने राजगढ़ रोड की नींव रखी थी और पंजौता आंदोलन का भी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस चौक से शुभारंभ किया था, तभी से इस चौक का नाम क्रांति चौक रखा गया। हम आभारी हैं कि रोटरी क्लब ने इस चौक को सजाकर बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन जहां तक इसके नामकरण की बात है वहां हम सहमत नहीं हैं, इसलिए कि इस यहां से दो तरह की क्रांतियों का शुभारंभ हुआ था। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने इसी स्थान पर श्रमदान के माध्यम से यहां से राजगढ़ रोड का शुभारंभ किया था और इसी के साथ ही जो पंजौता आंदोलन है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने भी अपना शुभारंभ इसी जगह से किया था। तो इसका जो सैद्धांतिक नाम है वो क्रांति चौक है और क्रांति चौक का नाम जो ये रोटरी चौक रखा गया है, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है और मैं अनुरोध करता हूँ जिला प्रशासन से कि इसका नाम क्रांति चौक ही रखा जाए। जब इस बारे में रोटरी क्लब के पदाधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चौक का निर्माण किया गया है, यही कारण है कि चौक का नाम रोटरी चौक रखा गया है। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब ही इस चौक की मेंटेनेंस करेगी और रखरखाव करेगी। उन्होंने कहा कि उनके क्लब द्वारा शिमला और नालागढ़ में भी इसी तरह से चौक का नाम रोटरी चौक रखा गया है। एक परमिशन जो दी गई थी, इसको बनाने की दी गई थी, इसको जो मतलब कि नाम ही चेंज कर दिया गया, जो बहुत पुराना ऐतिहासिक जो पुराना डीसी ऑफिस चौक है उसी का आप उसका रीजन ऐसा है कि डीसी ऑफिस यहाँ से चला गया। अगर डीसी ऑफिस होता यहाँ पे तो डीसी ऑफिस चौक ही रहता ये, पर अब डीसी ऑफिस अब चला गया तो अब हमने इस पे ये उठाया कि हम इसको बनाएंगे, पर हमारे को ये दे दीजिए कि आप रोटरी चौक बना दीजिए इसको, तो हमने रोटरी चौक बनाया। पर उसमें एक कंडीशन है कि इसमें 30% हमारा काम होगा, 70% गवर्नमेंट का काम होगा, मतलब एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट है वो 70% गवर्नमेंट की होगी और 30% हमारी होगी। हमारा तो सिर्फ एक लोगो है और हमने तो पूरा इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के दिया है, वो हमारी कॉस्ट पे दिया हमने बना के, हमने उनसे कोई कॉस्ट नहीं ली है। ये सोलन में है और रोटरी क्लब सोलन ने बनाया है, तो ये रोटरी क्लब सोलन का है, तो ये रोटरी चौक होगा।